Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE की. Everybody can learn English. हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. आज संडे है, साथ ही साथ आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, और दुखद भारत दिन भी है कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 के दिन जो संविधान निर्माता और विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण हुआ था. और आज उन्हीं के बदौलत है, उन्हीं के संघर्ष की बदौलत है कि मैं आपको YouTube पर पढ़ा पा रहा हूँ और मैं अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूँ. और मैं खुद और हम जैसे कई लोगों, करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों के कारण आज यह शिक्षा का प्रसार जो हो रहा है वो केवल ही केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के कारण हो रहा है. इसी के साथ ही आज 6 दिसंबर है तो परिनिर्वाण के दिन मैंने सोचा कुछ स्पेशल होना चाहिए और इसलिए मैंने आज सूट बूट में वीडियो बनाना स्टार्ट किया. क्योंकि आज मुझे सूट बूट पहना हूँ एक केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत है कि आज यहाँ तक स्थिति हम लोग पहुँचे हैं और हम जैसे कई लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. तो पूरे देश को उद्धार करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा नमन ही साथ ही. और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. ओके, आज जो हम जो इरेगुलर वर्ब्स थी जो मैंने बोला था कि मैं इस सब वीक में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन संडे है और मैंने सोचा कि आपके लिए कम से कम इरेगुलर वर्ब्स का आज अंत है तो जितनी भी थोड़ी सी रह गई थी मैंने सोचा कि कम से कम आज इसी पर वीडियो बनाएं, इसी पर हम आराम से शांति से बिल्कुल हम प्रैक्टिस करें. ओके, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अलग अलग सबकी मीनिंग रहती है. ओके, जो रेगुलर वर्ब्स रहती हैं तो मैंने कई बार बताया है उसमें सिर्फ ईडी लगता है. ईडी क्या लगता है? सिर्फ ईडी लगता है और वो जंग इतनी बन जाती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को हमें क्या करना पड़ता है, हमें याद भी करना पड़ता है, उसके सेंटेंस भी बनाने पड़ते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ज़्यादा नहीं है, 10 वर्ड है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आसानी से होगी. आज संडे है तो संडे आप समझ लो ये संडे स्पेशल क्लास है. ओके, और मैं कोशिश करूँगा एक और आपके लिए एक मोटिवेटर यहाँ पर जो भी होगा आज मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. तो आज जहाँ तक है मैं दो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट देख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म देख लो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ओके, सो आई होप समझ गए होंगे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. और अगर आप क्लास पर, इस क्लास में नए हैं या इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ओके, अगर अच्छा लगे और घंटी वाला बटन दबाएं. और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियो है आप इस पर देख सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं. तो आप अगर चाहें तो 5-6 वीडियो देख लीजिए और आपको लगे कि यस इट इज़ यूजफुल फॉर मी, सो आप चैनल को, वीडियो को देखना आप कंटिन्यू कीजिए. और मेरा सजेशन रहेगा, हर बार मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से हम प्लानिंग से हम करेंगे. ओके, प्लानिंग मैंने सब कुछ बताया है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो में. ओके, सो इस क्लास में सो ज़्यादा नहीं है, 10 हैं इरेगुलर वर्ब्स हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अंत करते हैं. ओके, सो फर्स्ट है होल्ड. होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना. क्या होता है? होल्ड मीन्स पकड़ना, कोई चीज़ को होल्ड है. ओके, जैसे मैं पेन हूँ तो मैं क्या कहूँ, पेन को पकड़े हूँ या होल्ड किए हूँ हम बोल सकते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड. क्या होता है? होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड. ओके, तो ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है. तो ये क्या है? ये सेम है ज़्यादातर इस वीडियो में, सेम है इसमें इरेगुलर वर्ब्स में ज़्यादातर. लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है. क्या है? सेम ही है. ओके, और सेकंड देखते हैं हैंग. हैंग मीन्स क्या होता है? लटकना. ई है ई, आप यू ना समझना. ओके, हैंग मीन्स होता है लटकना या फिर टांगना. क्या होता है? हैंग मीन्स लटकना और टांगना. मैं भूल गया सेंटेंस की प्रैक्टिस कराना, तो आप सेंटेंस बना लीजिए हेल्ड, जैसे उसने पेन पकड़ा या उसने पेन पकड़ा, तो क्या बोलेंगे? ही हेल्ड पेन. आराम से बना सकते हैं, इजीली आप बना सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं. हैंग मीन्स होता है टांगना या लटकाना. हैंग मीन्स क्या होता है? टांगना या फिर लटकाना. तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है? सेकंड थर्ड, हंग एंड हंग. सेम है ना? सेम है, ज़्यादातर मोस्टली सेम ही है, ज़्यादातर सेम ही है. ओके, तो क्या है? हंग मीन्स होता है लटकाना. ओके, सो हैंग, हंग एंड हंग.
हैंग हंग एंड हिंग ओके बना बोल सकते हैं क्या तुमने टॉवेल लटकाया क्या तुमने टॉवेल लटकाया डिड यू हैंग टॉवेल बिल्कुल बना सकते हैं आसानी से बना कीप कीप मीन्स क्या होता है रखना जैसे मैं पेन रखा हूँ जैसे मैं पेन रख लिया ओके ये पेन ओके रख लिया तो ये हो क्या रखना ओके तो मैं बोल सकता हूँ मैंने पेन रखा तो क्या बनाएंगे आई कैप्ट पेन आई कैप्ट पेन क्या आप पेन रखते हो क्या आप पेन रखते हो डू यू कीप पेन बिल्कुल हम बना सकते हैं बिल्कुल ईजी सेम हुआ नेक्स्ट देख लो लर्न 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 मीन्स क्या होता है सीखना जो हम चीज़ों को सीखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं लर्न करना बोलते हैं लर्न लर्न मीन्स क्या होता है सीखना ओके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है तो लर्न लर्न एंड लर्न याद रखो लर्न लर्न एंड लर्न तुमने मुझसे क्या सीखा व्हाट डिड यू लर्न टू मी या फ्रॉम मी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं ओके तुम क्या सीखना चाहते हो तुम क्या सीखना चाहते हो चाहे तो हमने पढ़ लिया तो व्हाट डिड यू वांट टू लर्न ओके व्हाट डू यू वांट टू लर्न ओके लीव लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना किसी चीज़ को क्या होता है छोड़ना उसे हम क्या बोलते हैं लीव सेकेंड और थर्ड सेम ही है लेफ्ट एंड लेफ्ट क्या है लेफ्ट एंड लेफ्ट फॉर्म भी क्या है सेम है ओके लीव लेफ्ट एंड लेफ्ट ओके इट इज़ वेरी ईजी लीव ओके जैसे हम बोल सकते हैं क्या तुम घर छोड़ना चाहते हो कभी हो जाते हैं मिस्टर क्या तुम घर छोड़ना चाहते हो डू वॉन्ट टू लीव होम डू वॉन्ट टू लीव होम तुमने क्या छोड़ा वॉट डिड यू लीव बना सकते हो बिल्कुल बना सकते हैं मैंने शराब छोड़ी तो आई लेफ्ट वाइन मीन मीन्स क्या होता है अर्थ होना अर्थ लगाना या मतलब भी लगाते हैं अर्थ लगाना ओके सो मीन मीन्स मतलब मीन मीन्स अर्थ लगाते हैं मेंट एंड मीन्ट मेंट मेंट एंड मीन्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इसका भी हम सेंटेंस बना सकते हैं ओके इसका भी हम सेंटेंस हम बना सकते हैं सेंटेंस इंस्टेंटली याद नहीं आया लेकिन आपके होमवर्क में मुझे तो याद नहीं आ रहा या आपको होमवर्क में है अर्थ का एक सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ओके अर्थ होना ओके बना सकते हैं ओके मेक मीन्स क्या होता है बनाना किस चीज़ को बनाना क्या बोलते हैं मेक मीन्स क्या होता है बनाना मेक मेड एंड मेड ओके हाँ एक चीज़ ध्यान हम जैसे कुक खाना बनाते हैं लेकिन खाना साल हम बनाते नहीं बोल चाल की भाषा में बोलते हैं ना खाना को हम क्या कहते हैं पकाते हैं खाना को क्या करते हैं हम पकाते हैं क्या करते हैं खाना को पकाते हैं तो हम कभी कभी समझते हैं खाना को मेक फूड बनाएंगे क्या तुमने खाना बनाया डिड यू मेक फूड ये गलत हो जाएगा पकाते हैं तो कुक हो जाएगा ओके ध्यान रखा जैसे मैंने चित्र बनाया या फिर मैंने पेन बनाया आई मेड दिस पेन मैंने पेन बनाया आई मेड पेन बिल्कुल हम बना सकते हैं सेट आप देखो तीन फॉर्म देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन सेंटेंस देख लो सबके सेम ही सेम है ध्यान रखना सेम है सेम बिल्कुल ओके रेगुलर वर्ब्स भली हैं लेकिन सेम ही है ओके क्या है सेम है ओके लेकिन इसमें ईडी नहीं लेगा जैसे सेट है सेट मीन्स क्या होता है लगना तो सेट इज सेट नहीं होगा इसका सेट थर्ड फॉर्म एक से रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेट सेट एंड सेट 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 एंड सेट शर्ट शर्ट मीन्स क्या होता है बंद करना शर्ट शर्ट एंड शर्ट 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 एंड शर्ट स्पिट स्पिट मीन्स होता है थूकना तो स्पिट स्पिट एंड स्पिट सेम ही है ओके तो हम सेंटेंस एक बना लो क्या तुम थूकते हो क्या तुमने थूका डिड यू स्पिट बना सकते हैं उसने दरवाजा बंद किया ही शट द डोर बिल्कुल बना सकते हैं शेट शेट मीन्स क्या होता है लगाना क्या होता है शेट मीन्स लगाना तो हम किसी चीज़ को हम लगाते हैं या ठोकते हैं तो जैसे मैंने ढक्कन किसको लगा दिया तो क्या बोलेंगे आई सेट कैप बिल्कुल आसानी से हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको ये क्लास कैसे लगी तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स ये संडे स्पेशल क्लास है और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी वाला बटन दबाएँ ओके मिलते हैं अपन मंडे को थैंक्स फॉर वॉचिंग